नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। आरबीआई जल्द एक सख्त कदम उठाने जा रहा है। 1 जनवरी से आपका बैंक खाता सीज हो सकता है। जी हां, और आप कोई भी लेन देन इसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक अपनी बैंक KYC नहीं करवाई है तो 1 जनवरी 2022 से आपका खाता सीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। देश के सभी बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थान भी KYC नहीं कराने वाले ग्राहकों को झटका देने वाले हैं। बताते चलें कि KYC के तहत ग्राहकों को अपने पहचान और एड्रेस का प्रमाण देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी ग्राहकों या खाता धारकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने जा रहा है जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक अपना KYC नहीं कराया होगा। बताते चलें कि KYC की जरूरत सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि पैसों के लेन देन और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी सेवाओं में पड़ती है। बैंकों को जिन खातों में कम जोखिम लगता है वे उन्हें 10 साल में एक बार KYC अपडेट कराने की सलाह देते हैं, जबकि ज्यादा जोखिम वाले खाता धारकों को हर 2 साल में KYC कराने के लिए कहा जाता है। बता दें कि जिन डोरमेट हो चुके बैंक खातों और लंबे समय से इनएक्टिव बैंक खातों को दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी KYC अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। इस साल मई में RBI ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए सभी बैंकों से कहा था कि वे ऐसे किसी भी बैंक खाते को 31 दिसंबर 2021 तक सीज नहीं करेंगे जिनका KYC अपडेट नहीं हुआ है या पेंडिंग है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी कई खाता धारकों ने अपने बैंक खाते का KYC अपडेट नहीं कराया, जिसके बाद RBI को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा मौजूदा समय में KYC अपडेट कराने के लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऑनलाइन तरीकों से ही KYC कराया जा सकता है। इसके बावजूद कई लोग अभी तक KYC अपडेट नहीं करा रहे हैं। एक और बात, ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जालसाज लोगों को KYC का हवाला देकर फोन कॉल पर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर उनके बैंक खातों को साफ कर दे रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी के लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके अपना KYC अपडेट करा लें। और हाँ, KYC से जुड़े किसी भी फोन कॉल पर अपने बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा ना करें। बता दें कि KYC के लिए पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार। या तो रखे सा अभिमान, पिया तो रा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।